भाई मैं अपने दोस्त नूं अरुण वर्मा नूं इत्थे छड्डन आया ही सिर्फ सीए स्टाफ वास्ते। मैं अमरेश गया वा। ठीक है जी। हाँ मेरी सिरी साहब है। बिल्कुल जी। ठीक है जी। हाँ मेरी पग है जी, इन्होंने 13-14 जाने मेरी पग लई वेले। ठीक है जी। फिर मेरे मूँह चिबड़ा मारियाँ, फिर मेरे ढिड च लत्तां मारियाँ नाल मेरे मारे। अमृतसर दे थाना CIA स्टाफ दा एक अजिहा मामला सामने आया जिथे शराब दे ठेकेदारा दे झगड़े नूं लैके पहुंचे 13-14 व्यक्तियां वल्लों एक सिख अमृतारी नौजवान नूं CIA स्टाफ थाने अंदर कुट्टिया मारिया गया अते उस दी दस्तार तक भी उतार दित्ती गई। इस सारे मामले संबंधी दमनप्रीत नाम दे सिख अमृतारी नौजवान ने मीडिया नाल गलबात करदिया दस्या कि उह CIA स्टाफ थाना दे गेट दे बाहर अपने किसी साथी नूं छड्डन आया सी, पर उत्थे मौजूद 13-14 नौजवानां वल्लों उस नूं थाने अंदर खिंच के पुलिस अधिकारी सामने बुरी तरह नाल मारिया कुट्टिया गया अते उस दी दस्तार उतारी गई। भाई मेरा नाम दमनप्रीत सिंह है जी। दमन जी की हुआ? भाई मैं अपने दोस्त नूं अरुण वर्मा नूं इत्थे छड्डन आया ही सिर्फ CIA स्टाफ वास्ते। इतने सिर्फ छड्डन आया है, कोई झगड़ा है, मैं बाहर छड्डन आया है। इन्होंने 13-14 जाने ने मेरी बांह फड़ के मैंने खिंचया, पहले गेट के अंदर लैके गए, अंदर जा गए इन्होंने पुलिस वाले के सामने मुलाजमान के सामने मैंने 15-16 जाने ने घेर के थले लम्मे पै कुटिया। मैं अमरेश गया वा। ठीक है जी। हाँ मेरी सिरी साहब है। बिल्कुल जी। ठीक है जी। हाँ मेरी पग है जी, इन्होंने 13-14 जाने ने मेरी पग लई वेले। ठीक है जी। फिर मेरे मूँह चिबड़ा मारियाँ, फिर मेरे ढिड च लत्तां मारियाँ नाल मेरे मारे मुके जी। मैं उन्होंने कहता रहा मैंने जा लो, मैं सिर्फ उन्होंने छड़न आया वा। उन्होंने 13-14 जाने ने मैंने लिया, उन्होंने एक शिव चावला ही। ठीक है जी। एक मुंडा लाल कमीज वाला ही, एक फौजी मुंडा है वा जयंतीपुर का जी। ये सारे 13-14 जने, बाकी मुंडे का मैंने नहीं पता कौन है कौन नहीं। ठीक है जी। इन्होंने तरते सामने मुलाजम खलोते रहे, मुलाजमान ने कुछ नहीं इन्होंने किया जी। तुम CCTV की CA स्टाफ के अंदर कैमरे लगे है, CCTV की फुटेज कढ़ा के वेखो, 1:30 बजे तो लैके 3 बजे के बीच तुम नजर आऊगा कि जबरदस्ती बाहों फड़ के अंदर लैके जाते हैं। अंदर गेट के अंदर जाके कुटिया ने, बाहर नहीं कुटिया, सिर्फ अंदर जाके कुटिया वा। नाल सारे मुलाजम ही, सारा कुछ नाल ही। भाई कोई वाकब नहीं, कोई कुछ नहीं ना के, मैं सिर्फ उन्होंने छड्डन आया। वो मुंडे ने मैंने इन्नी गल कही, मेरे को एक्टिवा नहीं गई, मैंने सिर्फ उत्थे छड्डिया। मैं उन्होंने छड्डन आया, वो कहिंदे इधर आ तू, उत्थे साडियां वीडियो बनाना, ये करदा वो करदा वा, इधर आ। मेरी बांह फड़ के अंदर लै गए मैंने, मेरे तो सारे मुक्के मारे, मेरे नक्क दे मुक्के मारे, ढिड च लत्तां मारियां। सारे मुंडिया ने घट्टो घट्ट 13-14 जने ही कल्ले नूं मैंने लम्मे पै कुटिया वा। लागे मुलाजम खलोते ही, उन्होंने कुछ नहीं किया। 1:30 बजे लैके 3 बजे के बीच CCTV फुटेज अंदरों कढ़ाओ, कैमरे लगे ने। की मांग करदे भाई? मांग ये है पहले CCTV कढ़ाओ। ठीक है जी। उन्होंने देनी नहीं, उन्होंने कोई ना कोई बहाना लैना वा, उन्होंने नहीं देनी। पर जे वो निकलती है वो सब कुछ क्लीयर हो जाएगा जी, A to Z हर एक चीज़ क्लीयर हो जाएगी। जिसके चलते उस वालों थाना सी डिवीजन की पुलिस को इस संबंधी शिकायत दर्ज करवाद्या इंसाफ की मांग की गई है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया थाना सी डिवीजन के SHO गगनदीप सिंह ने दसिया कि उन्होंने इस संबंधी शिकायत मिली है, इसके बन की कार्रवाई अमल की छूट लिया जाएगी। ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 13-14 ਜਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਝਗੜੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, CCTV ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਗੂ ਪਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 295A ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ CA ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਆ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਆ, ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਰੋਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ
बिल्कुल गेट के बाहर सी स्टाफ के बहुत ज़्यादा कुटमार कहते करी है, केसा भी करी, ककारता खिच के उन्होंने सुटे, जबकि कहता रहा कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें छुड़ाने की बेनती कर रहा, तुम किसी नजायज उत्ते कुछ गलत ना करो। सो अज असी हुण इत्थे पहुंचे हैं, SHO साहब नूं मिले हैं, मौके के अफसरों के नाल गल हुई है, शमशेर सिंह जी नाल इन्हां दे बैठे हैं, बयान लिखा रहे हैं, तो सानूं प्रशासन ने आश्वासन दिता कि उन्हां बंदियां दे उत्ते बकायदा जिहड़ी कानूनी कार्रवाई है 295 ए ला के धार्मिक भावना तहत बण दी जिहड़ी होर भी कानूनी कार्रवाई इन्हां दे मैडिकल एग्जामिनेशन करा के जो बण दी कार्रवाई है वो की जाए। अमृतसर तो हरजीत गरेवाल, इंडोज़ टीवी, ऑस्ट्रेलिया।